ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो बुक 6 पेज 19, ओके, इसमें हम आपको कराएंगे वॉवल्स के साउंड करेंगे फिर से. सो दिस रीड दिस दिस इज ए ई आई ओ यू, राइट? दीज आर द वॉवल्स. साउंड ऑफ ए इज ए, ए ए साउंड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है. लॉन्ग साउंड्स ऑफ वॉवल्स, दिस इज ए आएगा साउंड इसका, ई का आएगा ई आएगा, आई का ई, ई भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, दोनों साउंड्स आ सकते हैं. ओ में ओ ओ साउंड आएगा, ओके. यू में क्या आएगा? अ साउंड, और यू भी आ सकता है, यू से ही स्टार्ट हो सकता है साउंड, ठीक है. हमने अभी तक यू का साउंड अ पढ़ा था, ठीक है. अब इसमें हम पढ़ेंगे U का साउंड U ही होगा. अब देखिए, A फॉर एप, एंजल, एप्रन, एप्रन, ओके, एप, एंजल, एप्रन. अब ये हम पहनते हैं ना इसको, ताकि हमारे ड्रेस खराब ना हो, तो हम एप्रन एप्रन पहनते हैं. एंजल मीन्स परी, एप मीन्स इट्स अ मंकी, इट लुक्स, एप मीन्स इस मंकी का दूसरा नाम. अब नाउ सी ई, दिस इज ईगल, ई फॉर ईगल, ई फॉर ईट, ईट मीन्स शी इज ईटिंग, ईजल, दिस इज ई फॉर ईजल. अब आई देखिए, आई फॉर आइस, साउंड तो आई ही है इसका भी, आइस, आयरन, दिस इज है, दिस इज द पिक्चर ऑफ आयरन, प्रेस करते हैं ना वो, दिस इज आई, आई वी, दिस इज वॉट इज इट, दिस इज द पिक्चर, दिस इज आई वी. अब ओ, ओ का साउंड देखिए, ओवल, ओवल शेप, ओपन, ओपन मीन्स ये विंडो इज ओपन, ओपन, दिस इज ओल्ड, ओल्ड मीन्स ही इज अ ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को क्या कहते हैं? ओल्ड. Now this U, U for utensil. अब इसको हम pan भी कहते हैं ना, इसको हम utensil भी कहते हैं, utensil. This animal is unicorn and this is uniform. ये school के लिए पहनते हैं ना बच्चे, so this is uniform. अब U का sound इसमें U है. Now see, underline the word which has a vowel with long sound on each set. इसमें long sound जो है उसको हम underline करेंगे. Okay, अब ये A है. A का long long sound क्या है? A. Okay. Ape, apple का sound है. A. Ankle का sound है. A. So इसमें हम किसको underline करेंगे? Ape. अब E में देखिए. Elephant, egg, easel. अब इसमें long sound कौन सा है? Elephant का तो sound ए, egg का sound है ए. So अब इसका sound है easel. So you have to underline easel. Now this is I. Long sound of I is E. Ink, iron, sorry. Long sound of I is I only. Okay? I से ही sound start होगा. So, this is ink. ये तो long sound नहीं है. Iron. Injection. तो ये दोनों words के sound तो E से है. And इसका है I. So, आप iron को underline करेंगे. अब O का long sound क्या है? O only. So, this is oval. Ostrich, orange. So, ostrich का sound है O. Orange का sound है O. So, long sound is oval. Now, this is U. Long sound of U is U only. Okay. So, this is umbrella. Umbrella sound is A. Unicorn. Its sound is U. Unload. Unload माने सामान को अनलोड करना, निकालना, हटाना उसमें से, ट्रक में से. सो अम्ब्रेला, यूनिकॉर्न, अनलोड.
So you have to underline unicorn, right students? अब ये देखिए, इसमें आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, तो मैम आपको ये लिखने को कहेंगी कर्सिव में, और जब मैं लिखने को कहूँगी तब इसको करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ड्राइंग में देखिए, वी हैव ऑलरेडी डन दिया, हैप्पी दिवाली, राइट स्टूडेंट्स? ये भी आपने कंप्लीट करना है अपने ड्राइंग पेज में. एंड नाउ देन वी डिड बोट. अब बोट में मैंने आपको कहा था इसमें येल्लो करना है, ये भी आपने कर लिया होगा. सो आज हम करेंगे न्यू पिक्चर, दैट इज फिश. आज हम क्या सीखेंगे? फिश. यहाँ पे डेट हम बाद में लिखेंगे. फिश की स्पेलिंग देखिए, एफ आई एस एच, फिश. ओके, देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ. दिया जैसे ही ड्रॉ करना है, इसको भी बोट की तरह ही ड्रॉ करेंगे. सर इसका ड्रॉ करने का स्टाइल सेम है, ऐसे एक आर्क करेंगे. देन यू हैव टू मेक अ माउथ ऑफ द फिश लाइक दिस. देन यू हैव टू टेक इट लाइक दिस अगेन. यहाँ पे छोड़ देना है, जब यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दीजिए ऐसे ऐसे, जैसे हमने बोट में किया था. फिर इसको ऐसे, इसकी हम फिन्स बना देंगे. क्या बनाएंगे? फिन. ये ऐसे हम फिन्स बना देंगे. फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे? इधर भी फिन्स बनाएंगे बड़ा बड़ा लाइक दिस. एंड हियर यू ऑल्सो हैव टू मेक अ बिग फिन एंड मेक वन आइस लाइक दिस. ओके, देन पुट वन लाइन लाइक दिस. अब हम इसमें बहुत सारे डिजाइंस बना सकते हैं ऐसे. अब ऐसे ऐसे डिजाइंस बनाते जाइए ऐसे. ओके, नाउ दिस योर फिश इज रेडी. सो नाउ लेट्स कलर द फिश. I am going to take pink color. I'm going to take pink color for the fins. आप pink भी ले सकते हैं, या तो हम ले लेते चलिए purple. क्या लेंगे? purple color. अब इसको ऐसे ऐसे color करेंगे. Color it like this. Like this you have to color. See, color it neatly. Okay, now this fin also I am going to color the same purple. अब देखिए, आप fish में कोई भी color कर सकते हैं, जैसे आपने boat में जैसे किया था ना वैसे. इसको purple करेंगे ऐसे. And now again you color it this. ऐसे करिए कलर. लाइक दिस. नाउ टेक आउट ऑरेंज एंड ये फिन्स को, ये डिजाइन को हम ऑरेंज करेंगे. ऐसे करेंगे, डिजाइन में क्या करेंगे? ऑरेंज. ये जो हमने आर्क्स बनाए ना, इसको हम ऑरेंज कर देंगे. ओके, नाउ टेक अ पीच कलर. पीच कलर ले लेंगे. अब इसमें हम पीच यहाँ पे कर देंगे फेस में. ये फिश का फेस है, इसमें हम ऐसे कलर इट विथ पीच कलर. और ये देखिए, ब्लैक कलर ले लेंगे इसको, आइस को. पूरे आइस को कलर नहीं करना, सिर्फ ऐसे करना है. ओके, नाउ ओ इजंट इट लुकिंग नाइस. इट्स लुकिंग नाइस. अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कलर करेंगे.
आपने कलर को लाइट करना है, बिल्कुल डार्क नहीं करेंगे, लाइट 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 कलर करेंगे तभी सुंदर लगेगा। अब ऐसे ये मैंने रेड कलर कर दिया, अब आप इसमें ग्रीन कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए चलिए हम कर लेते हैं ग्रीन, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे 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 करें। अब ऐसे आपने इधर भी कलर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड दिस। हम इसको ऑनलाइन क्लास में फिर से आपको सिखाएंगे हाउ टू ड्रॉ अ फिश। बाय स्टूडेंट्स।